बाकी न तो सुंदर लाल में उतना अच्छा था, देखिए क्या होता है। अरे बोला ही नहीं हमसे यार, श्रीनिवास तिवारी जी अच्छे थे लेकिन सुंदर लाल तो नहीं के बेटे थे। बेटे हैं उससे क्या, हम हैं, हमारा बेटा कोई और होगा उसमें, तो आएगा ही चल। प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, जीजा जी लोगों के ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जीजा जी लोग नाराज से दिखाई देते हैं, तो क्या मानना है आपका? नाराज बिल्कुल खुद हैं लेकिन हमें जीजा जी नाराज रहे, बदलाव की लहर है, बैठे आराम करे। 60 साल में गवर्नमेंट भी रिटायर करती है कि भाई घर में जाके बैठो, तो उसको बैठ जाना चाहिए ना उनको। तो आप लोग रिटायर कर देंगे? बिल्कुल कर ही दिए कि करना है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबर ताज। अपनी चुनावी यात्रा में हम हैं और इस वक्त मौजूद हैं गुड़ विधानसभा सीट में। गुड़ विधानसभा सीट का ये रायपुर करचुलियान है जो एक तहसील है और मुख्य भूमिका निभाता है यहाँ से विधायक बनाने में या किसी को हराने के लिए। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ पर एक पंचर कहें या फिर जो तो मोटर वाहन बनाने की दुकान है। अब हम इस दुकान में जाकर के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावों में किसकी गाड़ी पंचर होने वाली है और किसकी फुल स्पीड से भागने वाली है। क्या यहाँ कुछ लोग हैं जो काफ़ी जागरूक दिखाई दे रहे हैं और उनसे हम जानेंगे उनके अनुभवों को लेकर के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, साथ ही साथ किसकी गाड़ी तेज रफ्तार से जाती हुई दिखाई दे रही है जानने की कोशिश। सबसे पहले तो नाम बताइए। अवनीश तिवारी है जी। किसकी गाड़ी तेज है यहाँ पर? यहाँ पर अभी तो कांग्रेस की है और देखिए अब किसकी होती है, कांग्रेस की होती है कि तो मतलब अभी कांग्रेस की है, अभी तेज हो सकती है किसी, एक्सीलेटर लग रहा है, लग रहा है तो किसका लग जाता है ये? आप काफी वरिष्ठ हैं, लंबा समय आपने राजनीति देखी होगी, सुंदर लाल तिवारी की राजनीति आपने देखी होगी, नागेंद्र सिंह की राजनीति आप देख ही रहे हैं, पटेल जी जो यहाँ से सांसद हुआ करते थे उनकी भी राजनीति आपने देखी। सबसे बेहतर कौन है? अरे अभी तो इससे पहले जो थे वो जो भ्रष्टर थे कि मसीहा थे ब्राह्मणों के, श्रीनिवास तिवारी जी, बाकी न तो सुंदर लाल में उतना अच्छा था, देखिए क्या होता है। अरे बोला ही नहीं हमसे यार, श्रीनिवास तिवारी जी अच्छे थे लेकिन सुंदर लाल तो नहीं के बेटे थे। बेटे हैं उससे क्या, हम हैं, हमारा बेटा कोई और होगा उसमें, वो तो आएगा ही चल चल। विकास किसने किया? विकास हो गया कांग्रेस ही का है, आज भी जो हो रहा है वो सब कांग्रेस के जमाने का है, आज उस पर अमल की जा रही है बस। प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, जीजा जी लोगों के ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जीजा जी लोग नाराज से दिखाई देते हैं, तो क्या मानना है आपका? नाराज बिल्कुल खुद रहे हैं लेकिन हमें जीजा जी नाराज रहे, बदलाव की लहर है, ठीक है ना, यहाँ बदलाव की लहर है, कांग्रेस का ज्यादा वो है। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ, कौन भी दावा नहीं कर सकता हूँ कि भाई किसी का भी है ना। पांच साल नागेंद्र सिंह रहे, उससे पहले 5 साल सुंदर लाल तिवारी, उससे पहले फिर से नागेंद्र सिंह थे, 3-15 सालों में 10 साल नागेंद्र सिंह जी के पाले में ये विधानसभा रही। नया कैंडिडेट चाहिए, नया कैंडिडेट और अच्छा करे गाँव के लिए, तो नए कैंडिडेट में किसको प्रबल? यहाँ एक प्रबल प्रताप सिंह भी उम्मीदवार है जो अमेरिका की नौकरी छोड़ करके आए, युवा हैं, यंग हैं बिल्कुल, मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं, तो उनको देख करके क्या लगता है, तस्वीर बदलेंगे? बदलेंगे अगले बार, इस बार तो जो अगले बार भी खड़े हुए थे निर्दलीय खड़े हुए थे, समाजवादी से खड़े हुए थे, तब जो इस बार अपन लोग उनको देखे, फिर अगर इनका भी अच्छा कार्यकाल न रहा तो इनको बदल देंगे, बदला जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा, जो विकास करेगा वही गुड़ पे राज करेगा, वही गुड़ पे जी। आपका शुभ नाम? असलम जी। आपसे एक चीज और हम जानेंगे, आपकी नहीं ये लास्ट सवाल है, देखिए आपको जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल देंगे ना। नागेंद्र सिंह जो है वो भी आपकी उम्र की तरीके से ही उम्र के ढलान पर है, हमसे ज्यादा उम्र के हैं, तो वो उनका इनका आखिरी चुनाव हो सकता है, तो आखिरी चुनाव पे संवेदना तो होती है, कुछ सहानुभूति होती है, उनको तो लड़ना ही नहीं चाहिए बात, तो उन्होंने तो कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया, इस बार हो गया, देखिए दे दिया तो बैठे आराम करे। 60 साल में गवर्नमेंट भी रिटायर करती है कि भाई घर में जाके बैठो, तो उसको बैठ जाना चाहिए ना उनको। तो आप लोग रिटायर कर देंगे? बिल्कुल कर ही दिए कि करना है। 15 साल से लगातार चुनाव लड़े रहे कपिल ध्वज जी, एक बार निर्दलीय लड़े, पिछले बार सपा से लड़े, इस बार कांग्रेस में आ गए, तो कितनी टक्कर है? टक्कर फुल है, बिल्कुल एक नंबर में है, टक्कर की कोई बात ही नहीं।
हम मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? तो 10 में से एक भी नहीं देंगे, उनको तो 0 देना है शिवराज सरकार। आपने तो मैदान से बाहर कर दिया भाई है। अरे हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे पास भी 5 एकड़ 5.5 एकड़ जमीन है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार 1 से 5 हाथ पावर का बिजली बिल माफ, आज वही उस समय 800 रुपए डीए, आज 2700 रुपए क्विंटल डीएपी है और 3.5 रुपए पर यूनिट बिल है। आपका आपका किसानी में जो है तो आय दुगुनी नहीं हुई क्या? नाराज है? कुछ भी नहीं, दुगुनी या चौगुनी जितना कर रहे हैं उससे 2 गुना तो ले रहे हैं ना। 800 की खाद आज 2800 रुपए की है तो क्या है, 3 हिस्सा तो वो ले रहे हैं, 1 हिस्सा दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? कृषक सम्मान निधि और बिजली जो तो लाइट पानी जो तो नहर यहाँ पर बहुत बनाई है। कह देने को सब है, कह दे तो हम भी सब कुछ है, लेकिन देखे जो है तो पता लगता है कि क्या है। असलियत कुछ और, असलियत कुछ और है, सामने कुछ और, खाने के कोई और है, सामने दिखते बस हैं, चबाने वाले तो अंदर हैं, बस वही है शिवराज सरकार की कहानी। आप ये गाड़ी सुधार रहे हैं, आप काम करते रहिए, हम आपका काम प्रभावित नहीं करेंगे। आप सबसे पहले नाम असलम भाई के गाड़ी बनवावे भाई साहब भाई। तो इस बार यहाँ पर गाड़ी किसकी तेज चल रही है? रायपुर असलम भाई के कांग्रेस की चल रही है। बीजेपी की धीरे क्यों हो गई 10 सालों में? 11 बजे प्रदेश में सरकार है, 15 सालों में 10 साल नागेल सिंह जी यहाँ रहे, तो फिर इस बार क्यों एक्सीलेटर धीरे हो रहा है? महंगाई के कारण तो बन जाए गाड़ी। तो कमाई भी तो बढ़ी होगी आप लोगों की, महंगाई बढ़ी लेकिन कमाई नहीं बढ़ी, ये दुख इस बात का है जी। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जी। क्या खराबी है गाड़ी में आप? हमारे में थोड़ा सा रोड खराब है क्या? सर मैं जो है तो हम बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की गाड़ी थोड़ा सा धीरे रफ्तार में, तो बीजेपी की गाड़ी में क्या खराब है? बीजेपी की गाड़ी में कुछ रफ्तार पकड़ेगी मतलब जिस तरीके से 15 साल में 2 बार रफ्तार पकड़ी, एक बार फिर से पुनः पकड़ी और अच्छे जोरों से पकड़ी, क्योंकि हमारे जो गुरु विधानसभा में है बीजेपी सरकार अच्छी चल रही है, सुविधाएँ मिल रही है, हमें फ्री राशन मिल रहा, पानी मिल रहा, आयुष्मान से निःशुल्क दवा मिल, दवाई मिल रही है। लाडली बहना योजना का लाभ कितना दिख रहा है क्षेत्र क्षेत्र में? सभी महिलाएं खुश हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं सभी महिलाएं खुश हैं कि हमको कम से कम ये सरकार कुछ पैसा तो दे रही है। बीजेपी कार्यकर्ता हैं क्या जी? हम बीजेपी कार्यकर्ता सब, देखिए जो सरकार है तो जो सुविधा दे रही है तो उसी के पक्ष में हम बोलेंगे, मतलब लोगों में प्रसन्नता है। प्रसन्नता है। और नागेंद्र सिंह जी के कार्यकाल को लेकर के अगर हम बात करें जी, तो कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा। क्या प्रमुख कार्य हुए गुड़ को बेहतर बनाने के लिए? उन्होंने जहाँ रोड मतलब खराब थी तो रोड बन गई, हमारे पहरिया गांव में देखिए पानी की सुविधा अच्छी हो गई, अपने रायपुर में भी पानी की सुविधा हो गई, रोड नहीं थी रोड भी बन गई, अस्पताल में अच्छी दवा हो गई। रीवा से सही तरीके से जुड़ पाते हैं? रोड थोड़ा सा डामाडोल है। नहीं, रीवा में तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते क्योंकि हमारी तरफ से अच्छी रोड बनी हुई। पहले कैसा हाल हुआ करता? पहले बहुत हाल खराब था, पहले रोड नहीं थी, आदमी कहीं भी जाता था तो बहुत दिक्कतें आती थी। आपके यहाँ एक युवा उम्मीदवार आए प्रखर प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, अमेरिका में नौकरी करते थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई नौकरी छोड़ करके अब वो यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए। लोग कहते हैं जब युवा आता है तो युवा एक नया जोश के साथ आता है, उनका इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा और लगभग हार या जीत के फासले को कितना कम ज़्यादा कर सकते? देखिए हमें तो यही मानना चाहिए कि हर युवा पार्टी जो है युवा वर्ग के सभी को एकजुट सम्मान होना चाहिए और आगे आवाज़ उठाना चाहिए। तो प्रखर जी भी अच्छे मतलब वक्ता हैं, अच्छा है गुरु विधानसभा से, हम तो चाहते कि नौजवान सभी को आना चाहिए, बस यही हमारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, आप भी कुछ कहना चाहेंगे नाम बता दीजिए। हम कहा है सरकार के योजना मिल रही है आपको? मिल रहा है। क्या स्थिति है यहाँ की, मतलब कौन जीत रहा है? मतलब हो गया इस आरन में बता दीजिए, जो पिछले बार थे वही सवाल रहेंगे कि बदल जाएंगे?
लाडली बहन हम नाम जुड़ेगा पैसा आवत है तो वोट के खा जाई भाई का जाई कि अबू के देते अभी तो आप यही नहीं जान रही है तो वोट क्या देंगे इन्हें का जाई वोट का दिखा दे दिखा दे बैठे वो बैठे सब तो बैठे दोनों कही थी बैठा वो बैठे साले तो बैठे तो ये थे हमारे साथ जुड़ के कुछ लोग जिन्होंने अपने अनुभवों के साथ ही बातचीत की यहाँ की मौजूदा हालत के बारे में यहाँ की मौजूदा स्थिति के बारे में और मौजूदा विधायक के कार्यकाल के बारे में लोगों को कैसा कार्यकाल पसंद आया किन लोगों में निराशा है और क्या लोग चाहते हैं ऐसी ही चर्चा हम गुड़ सहित रीवा जिले और पूरे मध्य प्रदेश से आपके पास ला रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये चर्चाएं आपको प्रभावित करेंगी उम्मीद करते हैं ये चर्चा आपको अच्छी लगेंगी अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझावों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ कैमरामैन सूरज के साथ मैं अनुपम अनूप नमस्कार धन्यवाद।